Dear students, today we will discuss a basic concept of abstract algebra. जो abstract algebra के basic concepts हैं उसको आज हम discuss करने वाले हैं. कुछ इसका सबसे जो basic concept है that is binary operation. उस binary operation के लिए हमारे पास एक tool चाहिए that is a set, which is a fundamental tool in the abstract algebra, which is one of the branch of the mathematics. इस binary operation को discuss करने के लिए हमारे पास एक set होना चाहिए. सबसे पहले set. देखिए स्टूडेंट, आपने set थोड़ी पढ़ी होगी और उसके जो laws हैं वो भी ज़हन में होने चाहिए. वहां जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है. यहां पे हम एक set choose कर लेंगे. It is well known set that is set of natural numbers. Set of natural numbers. Natural numbers. Dear students, आप सब जानते हैं set of natural numbers उसमें कौन से elements होते हैं. Dear students, that is denoted by n. It contains 1, 2, 3, 4, so on. ये हमारे पास set of natural numbers. Dear students, also we know the basic operations जो हमारे पास है number system की. That is plus, minus, multiple and division. ये basic four operations हैं. अगर हमारे पास हमें यहाँ पे binary operation discuss करना है, इसको discuss करने से पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए यहाँ पे. अगर हमारे पास ये operations हैं and if we have a set of natural numbers, then what happens if we take this one operation, what happens with the elements of these natural numbers? Taking any two natural numbers, jo aap jante hain, if we take two natural numbers, say a, phir a basic operation plus b, ये तो हमारे पास c के बराबर होगा. जस्ट एन एग्जाम्पल, 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5. इसी तरह जो भी वी नो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इफ वी टेक सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स द रिजल्टेंट नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर. ये तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट. इसके बाद हम मल्टीपल की बात कर लें. अगर हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स होंगे सी ई मल्टीपल एफ, ई इज नेचुरल नंबर, एफ इज नेचुरल नंबर, देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज जी, जी इज आल्सो नेचुरल नंबर. ये भी आप जानते हैं. अंडर एडिशन द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर. अंडर मल्टीप्लिकेशन the multiplication of any two natural number is natural. अब ये दो रह गए. अब हमारे पास यहां पे subtraction, जो अगर हम natural number लेंगे 2 - 3, particular example 2 is natural number, 3 is natural number, बीच में basic operation, we get here -1. अगर हम 9 - 4, we get here 5. डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट केस जो मैंने लिया है 2 - 3 इज इक्वल टू -1, एंड सेकंड केस 9 - 4 इक्वल टू 5. इन सेकंड में हमारे पास 9 इज नेचुरल नंबर, 4 इज नेचुरल नंबर, बट अंडर दिस बेसिक ऑपरेशन द रिजल्टेंट इज नेचुरल नंबर. And in the first case, 2 - 3, 2 is natural number, 3 is natural number, and minus is basic operation, we will get here -1. It is not a natural number. ये natural number नहीं है. यहाँ पे दो possibilities आ गई. Addition and multiplication में एक ही possibility थी, चाहे sum ले दो natural numbers का या multiple ले, we get resultant number is natural number. यहाँ पे subtraction में क्या हो रहा है, जब हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं कुछ केसेस में हमें नॉन नेचुरल नंबर मिलेगा, कुछ केसेस में हमें नेचुरल नंबर मिलेगा. दैट वी गेट इनफाइनाइट केसेस ऑफ दिस टाइप, जहां पे आपको
रिजल्टेंट नॉन नेचुरल नंबर मिलेगा आफ्टर यूजिंग सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स। इसी तरह इनफाइनाइट केसेस में हमें रिजल्टेंट नंबर नेचुरल नंबर मिलेगा व्हेन वी टेक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। नाउ इसी तरह अगर डिवीजन की बात कर ले, सी हियर इफ वी टेक 6 डिवीजन 3 क्लियरली वी विल गेट हियर 2। डियर स्टूडेंट आप ये जानते ही होंगे डिवीजन। नाउ इफ वी टेक 1 डिवाइड 2 वी विल गेट हियर 1 बाय 2 क्लियरली। सी हियर यहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। फर्स्ट केस जो हमने लिया वी गेट रिजल्टेंट एज ए नेचुरल नंबर व्हेन वी टेक डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, रिजल्टेंट इज नेचुरल नंबर। इन सेकंड केस डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नॉन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं है। यहां पे भी इनफाइनाइट केसेस ऐसे होंगे जहां पे डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, एंड इनफाइनाइट केसेस ऐसे होंगे जहां पे डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये चीजें आ गई। अब यहां पे क्या सीख रहे हैं हम, ये जो यहां पे हमने किया एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो यहां पे लिया हमने, और यहां पे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो लिया है, जब हमारे पास ऐसा होगा कि हम किसी सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे फिर हम ऑपरेशन डाल रहे हैं। यहां पे हम फिलहाल बाइनरी ऑपरेशन इसी बेसिक ऑपरेशन पे डिस्कस कर लेंगे। ये जो एडिशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, रिजल्टेंट इज नेचुरल नंबर, जब हमारे पास ऐसा होगा किसी सेट पे हम ये बेसिक ऑपरेशन डाल देंगे, अगर रिजल्टेंट वही उसी सेट का एलिमेंट आ गया देन दैट ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर द गिवन सेट, उस गिवन सेट के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जस्ट एज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो यहां पे हमने ले लिया, इस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो है इट दीज टू ऑपरेट बेसिक ऑपरेशन जो है दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड दीज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर द फंडामेंटल सेट दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स अब इसी को थोड़ा बहुत और एक्सटेंड कर लें। एन के बदले हम होल नंबर लेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, यही बेसिक ऑपरेशंस हम लेंगे तब जाके यही पॉसिबिलिटी होगी। होल नंबर्स सेट जो है उसके लिए भी यही पॉसिबिलिटी होगी, एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज होल नंबर एज यू नो, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज होल नंबर, ये भी आप जानते हैं। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन में सेम थिंग हैपन्स, क्योंकि दिस होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड एडिशनल टू नेचुरल नंबर देयर इज जीरो, ये एक एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के अलावा, तब जाके वहां पे भी यही पॉसिबिलिटी होंगी। दिस मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस में से प्लस और मल्टीप्लीकेशन जो है, दीज टू ऑपरेशन बिकम्स द बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है दीज टू आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब और आगे जाएंगे हम, जस्ट टेक सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। एनी ऑपरेशंस को लेंगे, बेसिक ऑपरेशंस को, अगर हमारे पास इंटीजर होगा दैट इज इंटीजर प्लस इंटीजर, डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं द रिजल्टेंट इज इंटीजर। सिमिलरली इफ वी टेक इंटीजर मल्टीपल इंटीजर इट इज ऑलवेज इंटीजर, ये भी आप जानते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स का सम लेंगे रिजल्टेंट बिकम्स इंटीजर, एंड इफ वी टेक मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स रिजल्टेंट नंबर इज आल्सो इंटीजर। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर माइनस इंटीजर, व्हाट हैपन्स विद द रिजल्टेंट,
क्या हो सकता है रिजल्टेंट में, अगर इंटीजर होगा बीच में सब्ट्रैक्शन एंड इंटीजर, यूज बेसिक ऑपरेशन माइनस। इस केस में भी जो रिजल्टेंट होगा दैट इज इंटीजर, तीनों में ये सेटिस्फाई होगा। अब जो फोर्थ बेसिक ऑपरेशन है दैट इज इंटीजर डिवीजन इंटीजर, व्हाट हैपेंस विद द रिजल्टेंट नंबर, यहां पे क्या होगा। ऐसे एग्जांपल अगर हमारे पास इंटीजर वन है, डिवीजन जीरो भी इंटीजर है, ये तो हम हमारे पास अनडिफाइंड है, चला गया ये भी। यहां इस तरह है, अगर वन है इंटीजर, डिवीजन टू इट इज इक्वल टू वन बाई टू, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ रैशनल नंबर एज यू नो। सर इनफाइनाइट टू डिवाइड थ्री, टू इज इंटीजर, थ्री इज इंटीजर, दैट इज इट इज इक्वल टू टू बाई थ्री, इट इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर डिवीजन इंटीजर, ये इंटीजर कभी होगा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 12 डिवीजन 4 दैट इज इक्वल टू 3, या 12 डिवीजन माइनस 3 इट इज इक्वल टू माइनस 4। डियर स्टूडेंट, यहां पे रिजल्टेंट आ गए इंटीजर, बट यहां और यहां पे इंटीजर नहीं आ गए। इसका मतलब यहां पे जो फोर्थ बेसिक ऑपरेशन हमने डाल दिया इंटीजर सेट पे, वहां पे इनफाइनाइट केसेस में हमें रिजल्टेंट इंटीजर ही मिलेगा। एक केस में अनडिफाइंड होगा, जैसे इन दिस केस इवन इनफाइनाइट ए बाई जीरो, ए इज इंटीजर, अनडिफाइंड होगा। एंड इनफाइनाइट केसेस में हमारे पास अंडर डिवीजन इंटीजर डिवीजन इंटीजर इज इंटीजर। इनफाइनाइट केसेस में रिजल्टेंट इंटीजर आएगा, इनफाइनाइट केसेस में नॉन इंटीजर आएगा। देयरफॉर दीज थ्री बेसिक ऑपरेशंस आर बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएंगे इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। जिस तरह यहां पे नेचुरल सेट के लिए हमारे पास ये आ गए थे बाइनरी ऑपरेशन, एंड होल नंबर्स के लिए भी आ गई थी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। अब इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक दीज फोर बेसिक ऑपरेशंस, स्टूडेंट्स यहां पे हम नंबर सिस्टम ले रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड इट इज रैशनल नंबर्स, एंड लास्ट वन इज रियल नंबर। पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेंगे बेसिक ऑपरेशंस। नेचुरल नंबर भी देखा, होल नंबर भी देखा, इंटीजर भी, अब रैशनल नंबर्स। एंड बेसिक ऑपरेशंस हैं प्लस, मल्टीपल, माइनस, डिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर हमारे पास रैशनल नंबर होगा, आर इज रैशनल नंबर प्लस आर वन प्लस आर टू, आर वन इज रैशनल नंबर, आर टू इज रैशनल, इट इज इक्वल टू आर थ्री। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ये आप जानते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू आर वन इंटू आर टू इट इज इक्वल टू सी आर फोर, ये भी आप जानते हैं। सम जब हम दो रैशनल नंबर्स का लेते हैं रैशनल नंबर आता है, प्रोडक्ट लेते हैं वो भी रैशनल नंबर आता है, सब्ट्रैक्शन लेते हैं आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू आर फोर आर फाइव, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। नाउ डिवीजन की बात है, आर वन डिवीजन आर टू, व्हाट हैपेंस विद दिस, डिवीजन में क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक ही मसला खड़ा होगा, डिवीजन अंडर डिवीजन रैशनल नंबर, डिवीजन रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो हमें निकालना है, दैट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स पे ये चारों ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशन होंगे। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर की बात कर लेंगे तब जाके सेम प्लस मल्टीपल सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो है
ये तीन रैशनल सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन बन जाएंगे। और डिवीजन जो है इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब अगर रैशनल नंबर से जीरो हम निकाल लें, दैट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, तब जाके ये सारे एडिशन ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर इज नॉन जीरो, तब जाके ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर इज नॉन जीरो, ये भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन की बात है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर मे आर मे नॉट, बिकॉज टू इज नॉन जीरो माइनस टू इज नॉन जीरो, वी गेट हियर जीरो, रूल आउट ही चला जाएगा। सब्ट्रैक्शन उस वक्त उसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बिकॉज रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर माइनस नॉन जीरो रैशनल नंबर जीरो भी आ सकता है। डिवीजन नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइड नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो रैशनल नंबर, इस ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट। जब नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात है, दैट सेट इज डिनोटेड बाई जस्ट दिस क्यू स्टार, इसके लिए हमारे पास प्लस बी मल्टीपल बी एंड डिवीजन बी, ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन होंगी। जब क्यू होगा आपके पास, आप जाके प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये तीन बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बिकॉज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन इन तीन बेसिक ऑपरेशन को यूज करने से रैशनल नंबर विद बाइनरी वन ऑफ बेसिक ऑपरेशन एंड नेक्स्ट रैशनल नंबर रिजल्टेंट इज ऑलवेज रैशनल नंबर, दैट इज आर वन एंड वन ऑफ द ऑपरेशन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट रैशनल नंबर रिजल्टेंट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। Therefore, plus minus multiplication is binary operation for the set of rational numbers, and plus multiplication and division are the binary operation for the non-zero rational numbers. Dear students, and may rakhe na. Similar cases for the set of real numbers. यही चीजें हमारे पास real set के लिए भी होंगी। अगर हम सम ऑफ रियल नंबर लेंगे, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर, रिजल्टेंट इज रियल नंबर, देयरफॉर प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर, मींस मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन फॉर द रियल नंबर्स एंड ऑफ रियल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स इज रियल नंबर, मींस सब्ट्रैक्शन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन फॉर द रियल नंबर्स, एंड डिवीजन डिवीजन में सेम जो रैशनल नंबर के लिए हुआ वही उसके लिए भी होगा। जीरो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि रियल नंबर डिवाइड जीरो इज नॉट डिफाइनर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मीन्स डिवीजन इन जनरल इज नॉट बेसिक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर रियल सेट से भी हम जीरो बाहर निकाल लेंगे, तब जाके सेम प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन becomes the binary operation for the set of real numbers, and subtraction yahan bhi as in set of rational number bahar chala jayega. Dear students, ye kuch cheeze humne discuss ki, inshallah next video mein same topic discuss karne wale, because it is the basic fundamental of abstract algebra that you have to study. Thank you, have a nice day. Dear students, subscribe my channel ताकि आने वाले हर next video आप तक सबसे पहले पहुंचे, और video share कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। इंशाल्लाह हम next videos में आने वाले दिनों में हम इस abstract algebra का सारा syllabus cover कर लेंगे। उसके लिए आपको necessary इस channel को subscribe कर लेना। Thank you, have a nice day.